हथौरा झूला अभी भी लगा हुआ है, लेकिन तेगड़ा जन्माष्टमी का मेला जो है विसर्जन होने वाला है, तो देख सकते हैं आप लोग मूर्ति जो है सज चुका है विसर्जन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 52 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं कि तेगड़ा कृष्ण जन्माष्टमी का मेला आज है भी या नहीं है। काफ़ी सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन पैदा हो रहा होगा कि आज मेला है या नहीं है। तो पर यहाँ पे तेगड़ा प्रखंड की ओर जैसे ही आए थे मूर्ति विसर्जन के लिए उठ चुका है, और मेन मार्केट की ओर स्थिति ऐसा ही देखने के लिए मिला। तो पूरा जो है आप लोगों को 9 किलोमीटर के दायरे में जो जन्माष्टमी का मेला हर एक साल लगता है, इस साल भी लगा है 2023 में, तो पूरा आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ मेरे इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, काफ़ी छोटा वीडियो है तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और कृष्ण जी का मेला तो आप लोग काफ़ी देखे, तो इसका विसर्जन भी आप लोग देखिए। और मैंने अपने जो है इस पीआर सफर यूट्यूब चैनल पे जो है आप लोगों को शुरू से लेके और अंत तक दिखा रहा हूँ, यहाँ तक कि आप लोगों को विसर्जन भी दिखा रहा हूँ। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। यहाँ पे चंद्रयान 3 का गेट यहाँ पे लगा हुआ ही दिख जाएगा आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्यार दीजिएगा मेरे पहले वीडियो की तरह। और देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर तेगड़ा मेन मार्केट में मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी ही दुख के साथ मूर्ति को जो है विसर्जन किया जाना है। उसके बाद आप लोगों को फिर से एक साल का इंतज़ार करना होगा, और एक साल के बाद जो है कृष्ण जन्माष्टमी मेला फिर से लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भीड़, काफ़ी ही भीड़ है। और आप लोगों को बता दें कि अभी तक मेरा वीडियो जो है बरौनी का नहीं देखे हैं, बरौनी कृष्ण जन्माष्टमी मेला का, और वो भी बता दें कि बरौनी में आज मेला है। तो आप लोग वीडियो को चेकआउट करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आई बटन में आप लोगों को लिंक दे दूँगा। तो बरौनी में बता दें कि आप लोगों को देखने के लिए मेला मिल जाएगा आज भी। कल विसर्जन होना है बरौनी स्टेशन फुलबड़िया में, और चकिया में भी आप लोगों को मेला देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये तीन जगह आप लोग को बेगूसराय जिला में मेला आज है कृष्ण जन्माष्टमी मेला 2023। यहाँ पे देखिए कृष्ण जी का मूर्ति कितना सुंदर है, काफ़ी ही सुंदर यहाँ पे कृष्ण जी का मूर्ति आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे समुद्र मंथन का भी एक दृश्य को दर्शाया गया है। यहाँ पे भीड़ देखिए आप लोगों को, भीड़ काफ़ी ही नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेन मार्केट में कृष्ण जन्माष्टमी का मेला लगाया जाता है। ये जो टॉफ़ी बांट रहे हैं फ्री में, बच्चों के लिए सिर्फ टॉफ़ी बांट रहे हैं। तो आप लोगों को जैसे मैं बता रहा था कि मेन मार्केट में कृष्ण जन्माष्टमी मेला 2023 लगा है, और हर एक साल के बाद इस साल भी बीच मार्केट में होने के कारण जो है इसको एक दिन पहले ही विसर्जन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ही जो है पुलिस बल को संभालना होता है मेला को, इसलिए जो है प्रशासन के द्वारा जो है निर्देश दिया गया था कि विसर्जन किया जाए, तो इसलिए विसर्जन को किया जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी मेला 2023 तेगड़ा में पूरा जो है विसर्जन को तैयार मूर्ति हो चुका है, और विसर्जन के लिए लेके जाया जा रहा है। और लेकिन आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को दिखाना बाकी है कि मेला तो ख़त्म हो चुका है तेगड़ा में, लेकिन एक चीज़ बचा हुआ है, तो उसके लिए वीडियो में बने रहिएगा। और सीधा जो है आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोग पहुंच चुके थे तेगड़ा गौशाला, और तेगड़ा गौशाला में जो है झूला अभी भी लगा हुआ दिख जाएगा। झूला आप लोगों को झूलना है तो आके झूल सकते हैं तेगड़ा गौशाला में। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोग आए हुए भी हैं, और काफ़ी सारे लोग आ रहे थे कि मेला आज है, लेकिन वापस लौट के उनको जाना पड़ा क्योंकि मेला ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर आप लोग झूला झूलना चाह रहे हैं हथौरा झूला से लेके और सारे झूले को, तो यहाँ पर आके झूल सकते हैं। अभी शाम का वक्त है, जैसे जैसे रात होगा तो यहाँ पर जैसा भीड़ होगा वैसे उस प्रकार से काम को किया जाएगा, देख सकते हैं आप लोग।